अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो लगातार देख रहे होंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, बराबर है ना? कुछ ही वक्त बाकी है आपके एग्ज़ाम को, तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यम उर्दू है हमारा, विषय हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, कक्षा 10वीं है जैसे कि आप लोगों को पता है, और पाठ है ऐसा वसंत कब आएगा, ये एक कविता है। दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 8 ऐसा वसंत कब आएगा एक कविता है, आज हम ये कविता पढ़ने वाले हैं। और पाठ क्रमांक 7 जो है वो इस साल हम नहीं पढ़ेंगे, पाठ क्रमांक 4 और पाठ क्रमांक 7 ये इस साल हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने उनको छोड़ दिए है। गवर्नमेंट ने ही उसको सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया है। ओके, बढ़ते आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं आपका शिक्षक, आपका टीचर शम्स तबरेज, वर्चुअल क्लासरूम मुंबई से। चलिए बढ़ते आगे कविता की तरफ। कविता है हमारी ऐसा वसंत कब आएगा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी इसके कवि हैं, उन्होंने इसको लिखा है। कवि का नाम क्या है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। ऐसा वसंत कब आएगा, इनका परिचय देख लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद जी, ये रहे जगन्नाथ प्रसाद जी। इनका जन्म हुआ 1907 ग्वालियर मध्य प्रदेश में और मृत्यु इनकी हो गई, ये अब हमारे बीच में नहीं है, 1986। परिचय, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद इनका लकब था जी। हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी के ज्ञाता थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्र आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया था। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका जन्म 1907 में हुआ था, मतलब हमारी आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले इनका जन्म हुआ था। और ये शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन मतलब पढ़ना, अध्यापन यानी पढ़ाना। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी के ज्ञाता थे, ये सब उनको आती थी और उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया था। पढ़ते आगे देखते हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ, अंतिमा, पूर्णा, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, काव्य संग्रह आदि इन्होंने लिखे हैं। किसने? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने ये सब लिखा है। क्या क्या? अंतिमा, पूर्णा, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मतलब नवयुग के गाने, मुक्ति के स्वर, काव्य संग्रह वगैरह इन्होंने लिखा है। किसने? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने। बढ़ते आगे इस कविता में हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा देखते हैं। प्रस्तुत गीत, कविता एक गीत है ये। प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। क्या कह रहे हैं मिलिंद जी? के सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी, जो राष्ट्र के और जो समाज के सुख सुविधाएं हैं
मिलिंद जी कह रहे हैं कि उसमें भी महलों एवं कुटियों, यानी जो महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, और जो बेचारे गरीब हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, कुटियों में रहते हैं, दोनों के लिए समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं मिलिंद जी। और उनका मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा वास्तविकता में, उस दिन वसंत आ सकेगा। वसंत मतलब बहार, समझ में आ रहा है आपके? तो इस गीत में हमें ये सब सीखने के लिए मिलेगा, ये सब बताने की कोशिश की है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने। चलिए बढ़ते हैं आप डायरेक्ट कविता की तरफ। तो कविता यहाँ पर शुरू होती है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी कह रहे हैं, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर परसों खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर परसों खिल पाएगा। तो यहाँ पर मिलिंद जी कह रहे हैं वसंत, वसंत यानी बहार, किस तरह बहार में वसंत में फूल खिलते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, और फूल जो रहते हैं वो सबको एक जैसी खुशबू देते हैं, वो अमीर गरीब में फर्क नहीं बरतते हैं कि अमीर को खुशबू देते हैं गरीब को खुशबू नहीं देते, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जब मानवता के वन उपवन का हर परसों खिल पाएगा, परसों मतलब फूल, मानवता के यानी इंसानियत का जब फूल खिलेगा, इंसानियत का फूल खिलेगा मतलब किसी में ऊंच नीच ना बरते, कोई अमीर और गरीब ना हो, किसी किस्म का कोई फर्क ना हो। मानवता मतलब इंसानियत, इंसानियत मतलब क्या होती है? कोई गिर गया तो हम उस पर हंसते हैं, है ना? जब हम गिरे तो हम पर कोई हंसता है, ये मानवता है क्या? नहीं, मानवता ये है कि अगर किसी को तकलीफ हो रही तो उसकी तकलीफ हम महसूस करें, अगर किसी को खुशी हो रही तो उसकी खुशी में हम शरीक हों, इसको कहते हैं मानवता। मिलिंद जी कह रहे हैं कि मानवता के वन उपवन का, वन मतलब जंगल, उपवन मतलब गार्डन, हर परसों खिल पाएगा, जब फूल खिल जाएगा, मानवता का इंसानियत का जब फूल खिलेगा तभी सही मानों में वसंत आएगा। मिलिंद जी कह रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता का फूल खिलेंगे, इंसानियत के फूल खिलेंगे, समझ में आ रहा है आपके? ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर परसों खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। वो पूछ रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा जब इंसानियत का फूल खिल जाए। बढ़ते आगे, लड़कर आबाओं के पतझड़ से नवसर्जन रन में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पांडव यौवन मय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। क्या कह रहे मिलिंद जी? लड़कर आपाओं के पतझड़ से नवसर्जन रन में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पांडव यौवन मय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। मिलिंद जी कह रहे हैं लड़कर आबाओं के पतझड़ से नौ सर्जन रन में विजयी बन, यानी जो गरीब है बेचारा वो गरीबी से लड़ता ही रहता है ना, सुबह शाम, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक वो मेहनत करता ही रहता है, करता ही रहता है कि दो वक्त की रोटी उसे मिल जाए, इसलिए वो क्या करता रहता है? मेहनत करता ही रहता है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब ही रह रहे और गरीब होते जा रहे हैं। मिलिंद जी ऐसा कह रहे हैं कि सुख सुविधा रस के सम वितरण का पानव यौवन मय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोष में मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। मिलिंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सबके लिए सुविधा बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको समान अधिकार होना चाहिए, सुख सुविधा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए।
और वो कह रहे हैं कि हर मनुष्य कुसुम संतोष मई, यानी हर मनुष्य मतलब इंसान का जो फूल है, मिलिंद जी कह रहे हैं कि इंसान मुस्कुराना चाहता है, क्या करना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, गरीबी से लड़ना चाहता है। तो मिलिंद जी कह रहे हैं कि वो लड़ता है लेकिन उसके हाथ में कामयाबी नहीं लगती है। तो ऐसा वसन कब आएगा, जब इंसान जो है जो जितनी मेहनत करे उसका उसको उतना फल मिले। अमीर जो है जाता है, साइन करता है और उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, लेकिन गरीब सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कष्ट करता है, तब जाकर उसको कुछ पैसा मिलता है। हर मनुष्य कुसुम संतोष में, यानी हर इंसान क्या हो, संतुष्ट तो हो, उसको किसी किस्म का कोई भय ना हो, डर ना हो कि आज मैंने सुबह कमाया हूँ, शाम में मेरे बच्चों को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुस्कान मधुर बरसाएगा, यानी चारों तरफ मुस्कान बरसनी चाहिए, ऐसा वसंत कब आएगा। मिलिंद जी कह रहे हैं कि सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, सबको खाने के लिए मिलना चाहिए, सबको रहने के लिए मिलना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा वसंत कब आएगा, मिलिंद जी पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके? बढ़ते हैं आगे। ऐसे वसन कुछ चले गए, प्रसादो ही का नहीं कुटी का, आंगन भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन, सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। मिलिंद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादो ही का नहीं कुटी का, आंगन भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन, सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। मिलिंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रसादों का ही नहीं कुटी का, आंगन भी तो है आंगन। जी हाँ, जो महलों में रहते हैं उनके घरों में भी आंगन होता है, और जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके घर में भी आंगन होता ही है, और सुख दुख सबको बराबर मिलते हैं, बराबर ना। जो कुदरत की तरफ से हमें सुख या दुख मिलते हैं उसमें हम सब बराबर हिस्सेदार होते हैं, है ना। पानी बरसता है आसमान से, बारिश होती है, तो सिवा अमीरों के घर पर होती है या अमीरों को खेतों में होती है क्या? नहीं, बल्कि हर जगह बारिश होती है। जब सर्दी का मौसम आता है तो सिर्फ अमीरों के घर पर आता है क्या सर्दी का मौसम? नहीं, बल्कि हर तरफ सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम भी चारों तरफ आता है। जब कुदरत किसी में भेदभाव नहीं करती है तो हम कौन होते हैं किसी में भेदभाव करने वाले, बराबर ना। लेकिन यहाँ हमारी धरती पर ऐसा नहीं माना जाता है, ऐसा बिहेव नहीं किया जाता है। यहाँ पर ऊंच नीच है, छोटा बड़ा है, आला जात वाला है, अदना जात वाला है, ऊंची जात वाला है, निचली जात वाला है, ब्राह्मण है, शूद्र है ना। ऐसे बहुत सारे भेदभाव हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में या फिर हमारे धरती पर होते ही है ना। गरीब को हकीर की नज़रों से देखा जाता है, गरीब कोई आ जाता है तो हम वहाँ से चले जाते हैं, गरीब को भगा देते हैं। तो इस तरह का भेदभाव हमारी दुनिया में होता ही है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले के COVID-19 का पेड़ अभी चढ़ रहा है, बराबर ना, और पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो जो बेचारे रोज़ाना कमाने वाले, रोज़ाना खाने वाले, सुबह कमाने वाले, शाम में कमाने वाले बेचारे, वो लोग क्या करेंगे, है ना। उन लोगों की तो रोज़ी रोटी छीन ली गई, उनके पास रोज़ी रोटी का ज़रिया ही नहीं रहा, तो फिर वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। लेकिन वही जो सरकारी नौकरी वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपना सारा पैसा लगा रखा है, छुपा रखा है, दबा रखा है, उन लोगों की थी लॉकडाउन में आए स्टी छुट्टियाँ भी थी, प्लस साथ में पैसा भी था, खूब इंजॉय उन्होंने किए। लेकिन मरता कौन है बेचारा? गरीब।
है ना, जब वो खाता है तब जब वो कमाता है, तो कमाता है फिर वो खाता है। लेकिन अब कमाना ही बंद हो गया, सब उनका धंधा व्यापार कारोबार सब बंद हो गए, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबके लिए समान चीज़ नहीं है, इस दुनिया में भेदभाव है, अमीर अमीर गरीब गरीब भी होता जा रहा है। तो मिलिंद जी कह रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वक्त कौन लेकर आएगा, ऐसा टाइम कौन लेकर आएगा, वो सेकंड कब आएगा जब हम सब एक हो जाए। एक हो जाने से मतलब ये है कि हमारे अंदर ऊंच नीच ना रहे, कोई ज़ात का भेदभाव ना रहे हमारे अंदर, हमारे माहौल में अमीर गरीब ही ना रहे, बल्कि सब क्या हो, एक जैसे हो, समान हो, कोई अंतर उनमें ना हो, है ना। गरीब क्या करता है, बेचारा जाता है, मेहनत करता है, कष्ट करता है। किसान देखे ना आप लोगों ने, किसान धरती का सीना चीरता है, फिर उसके अंदर बीज बोता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, खाद डालता है, फिर उसको बड़ा करता है, फिर उसको काटता है, फिर उसको साफ़ करता है, फिर तब जाकर हमारे पास अनाज पहुंचता है। और अमीर क्या करता है, जाकर वो अनाज खरीद लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है ना। तो ये फ़र्क है हमारे पास, ये हमारे अंदर अंतर है। मिलिंद जी कह रहे हैं कि कब सब लोग हैप्पी हो जाएंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, कब सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, वसंत का मौसम कब आएगा, वसंत कब आएगा, बहार, बहार का मौसम तो आप लोगों को पता ही है। बहार का मौसम ऐसा होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, चारों तरफ खुशी है खुशियाँ होती है ना। और गांव में वसंत पंचमी भी आती है, औरतें झूला झूलती है, लड़कियाँ झूला झूलती है और वो त्यौहार को मनाती है, तो वो खुशियों वाला त्यौहार होता है। मिलिंद जी का यही कहना है कि चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, किसी को कोई गम ना हो, ऐसा वसंत कब आएगा, ये मिलिंद जी का स्वप्न था, ख्वाब था। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा, भेदभाव कभी ख़त्म हो पाएगा, ऊंच नीच कभी ख़त्म हो पाएगी, अदना आला कभी ख़त्म हो पाएगा, बड़ा छोटा कभी ख़त्म होगा, होगा अगर हम कोशिश करें तो ज़रूर होगा। तो मिलिंद जी यहाँ पर यही कह रहे कि ऐसा वक्त और ऐसा टाइम कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपके, ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित, वसंत होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वो अनंत, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। क्या कह रहे हैं मिलिंद जी, कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित, वसंत होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वो अनंत, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। तो मिलिंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सपना देखा कि वसंत का जो मौसम है, वसंत जो है सीमित वसंत, यानी वसंत से मुराद यहाँ पर ये है, मिलिंद जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ ही लोगों के पास सुख सुविधा होती है वो सबके पास आ गई, होगा जन जन के जीवन में, यानी सबके पास वो सुविधा आ गई है। जैसे किसी भी गरीब को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब खाना कैसे खाऊंगा या मेरा सर्वाइव कैसे होगा, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, जो भी है उसके पास वो उसमें क्या है, खुश है, प्रसन्न है। स्वप्नों उन्होंने ऐसा देखा, किसने, मिलिंद जी ने, कि होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वो अनंत, और उसका कोई अंत नहीं है, यानी लामहदूद है, कोई अंत नहीं है उसका, हमेशा इसी तरह का मौसम रहेगा, हमेशा इसी तरह वसंत हर जगह पर छाया हुआ रहेगा, ऐसा कह रहे हैं मिलिंद जी। कि मैं ऐसा
सपना देखता हूँ। जब मनोजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। सब आनंदित रहे, सब खुश रहे, सब हैप्पी रहे और किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो दिमाग पर। सब ये रहे, सोचते रहे कि अब हम सुख में हैं, कोई दुख हमारे ऊपर नहीं है। सब कैसे रहेंगे? आनंदित। तो कवि जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा सपना देखता हूँ, काश ऐसा सपना मेरा पूरा हो जाए, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत आ जाए, मैं जो सपना देख रहा हूँ वो सपना पूरा हो जाए और सब लोग साथ में हिल मिल कर मिलजुल कर रहे और किसी को कोई तकलीफ परेशानी दुख ना हो। सब कैसे रहे? खुशी से रहे, उनकी ज़िंदगी में हैप्पी ही हैप्पीनेस आ जाए। कभी ऐसा कह रहे कि आज़ाद फील करें, आज़ादी महसूस करें, किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, हमारे रहने के लिए घर हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, ओढ़ने के लिए बिस्तर हो, इधर से उधर जाने के लिए गाड़ी हो, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारे मन में चीज़ें हैं वो क्या हो जाए, हमको सब मिल जाती है। ऐसा सपना देख रहे हैं कवि मिलिंद जी के, पूरी ज़मीन पर सब लोग खुश है, सब लोग खुशी से रह रहे हैं, किसी को किसी किस्म का कोई दुख नहीं है, सब आपस में सारे अपनी कड़वाहट, सारी अपनी दुख दर्द भुलाकर सब एक साथ रह रहे, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंचा है, ना नीचा है, सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, ऐसा सपना देख रहे हैं मिलिंद जी। तो यहाँ तक हमारी कविता हो गई है, ये भाग एक है, इसका पार्ट टू भी आने वाला है। एक बार वापस से हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। मिलिंद जी कह रहे हैं, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर परसून खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर परसून खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। लड़कर आबाओं के पतझड़ से नवसर्जन रन में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पानव्य यौवन मय जीवन, हर मनोज कुसुम संतोषमय मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए पर सादोही का नहीं कुटी का, आंगन भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन, सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित वसंत होगा, जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वो अनंत, जब मनोजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कविता आधी होती है और यहीं तक आज हम पढ़ने वाले हैं और इसका बचा हुआ पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम व्याकरण भी पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो कविता हमने पढ़े ऐसा वसंत कब आएगा ये आपको समझ में आई होगी और उम्मीद है आप घर पर भी इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, आपके एग्ज़ाम करीब है, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।